सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। अच्छा मैं चलती हूँ। देखो बेटे, आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है, ध्यान से जाना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। देखो तो सही के कयामत चली आ रही है। घनी कसूती चीज है, इसके कोई हाथ ना लगावेगा, या तो मेरी लैला है। कैसी हो मेरी लैला? कौन लैला? क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो मेरा रास्ता।
देखो आज कॉलेज में तुम्हारा पहला दिन है और जो भी इस कॉलेज में आता है वो हमें नाच के दिखाता है, तो तुम्हें भी लैला की तरह नाचना होगा। नहीं तो तुम्हें मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। माफ कर दो प्राणनाथ, मैं तुम्हारी जन्म जन्म की दासी हूँ। तो तुम्हें भी माफी मिल सकती है। चलो शुरू हो जाओ। तुम्हें लैला बनना है या दासी? तुम मेरा रास्ता छोड़ते हो या मुझे तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करनी पड़ेगी? भाई लोगो, यहाँ के हो रहा है, थोड़ा आने जाने वालों को रास्ता दो। जो भी इस कॉलेज के अंदर नया सैंपल आता है वो हमें टोल टैक्स देके जाता है। क्यों लैला? मेरा नाम लैला नहीं है, हटो सामने से, मुझे रास्ता दो। तुमने सुना नहीं उसने कुछ कहा? उसको रास्ता दो। वो तुम्हारी वजह से अंदर चली गई। और तुम्हारी वजह से वो बाहर जा सकती थी। अब तो तुझे डबल टैक्स देना पड़ेगा। मुर्गा बनकर कान पकड़कर मेरे सामने माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी? हाँ मांगनी पड़ेगी, सच्ची मुच्ची मांगनी पड़ेगी। मोबाइल पे मैसेज भी क्या? भाई वाह, लोंडे ने एक ही शॉट में आउट कर दिया। आज मारा यार विक्रम ना है, नहीं तो घूंसे का जवाब अभी मिल जाता। चलो इसे फिर किसी दिन देखेंगे। भाई वाह, आज तो हद हो गई, आज दिल खुश हो गया। भाई मारे ते मिल, हम है इस कॉलेज के सदाबहार स्टूडेंट। मारे साथ कितने ही आए और कितने ही चले गए और कितने ही आने की तैयारी में है। और भाई सुन, कुछ दिन की बात और है, फिर तो हम अपनी औलादी कहलाया करेंगे। तन्ने बहुत बढ़िया काम कर दिया आज। अरे अभी कहाँ कुछ कर दिया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। भाई इतनी तो हमें भी चचकी कि तेरे जर से हमारी भी नैया पार हो सके। क्यों भला कोई टिक सके हमारे सामी? आइए आइए, हमारी क्लास में पधारिए। आज से हमारी इस बेमियादी टीम का तू ही नेता होगा। ठीक है, अब तो मैं कोई कुछ कहवे ना तो मुझे बता दियो, मैं ठीक कर दूंगा। गुरु ये कॉलेज ना है, जन्नत है जन्नत। यहाँ पे हर साल नई नई छोरियां आवे और हमें तड़पा के चली जावे। ओहो बड़ी दुख भरी कहानी है, सुन के मेरी आंखों में तो आंसू भी आ गए। बैठिए। आज आपका विद्यालय में प्रथम दिन है, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कामना करता हूँ आप अपने माँ बाप के सपनों को अवश्य साकार करेंगे। इस देश को उज्जवल बनाने में आपका पूर्ण सहयोग रहेगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। अब आप लोग मुझे अपना परिचय देंगे। सर मारे परिचय की जरूरत ना, हम तो सारा कॉलेज जाने। ये मेरे लिए दुख की बात है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। कक्षा में जो आज नए छात्र छात्राएं आए हैं वो मुझे अपना परिचय दें। प्रेरणा। मनीष। कुणाल। पायल। राजकुमार। खुशी। अरविंद कुमार। जी मनोज। मैं पुनः सभी नए और पुराने छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे और हमारी आशाओं को पूरा करेंगे। अब कक्षाएं कल से होंगी, आज इतना ही काफी है। इसका मतलब कल से हमारा क्लास में आना बंद। Thank you.
सॉरी सर सॉरी। ये क्या तरीका है, देख कर नहीं चल सकते? सॉरी सर। ये कॉलेज है, कोई खेल का मैदान नहीं। सॉरी सर सॉरी। क्या नाम है तुम्हारा? सॉरी सर। क्या सॉरी सॉरी लगा रखी है, ढंग से रहा करो। सॉरी सर सॉरी। बच गया आज तो, नहीं तो प्रिंसिपल के हत्थे चढ़ गया था बच्चे। अरे कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? कैसा के मिल गए थे दो चार, ज्यादा बोल रहे थे, मने मारे दो दो। अच्छा कौन थे? पता ना कौन थे। अरे उसमें तो देश आजकल हमारे पढ़ता दिखा है, वो भी था के? ना ना वो ना। के हो गया बेटा मेरे लाल, कहीं तुझे चोट तो ना लगी। यू तो ना ठीक करा, अब आगे से ना बोलने के। अरे हम किसी का कम है के, किसी सूत्रे से डरने की जरूरत ना है। ए बहू, मनोज के लिए एक ग्लास दूध ले आ, और हाँ थोड़ा सा हलवा भी बना दियो। कीड़े पड़े नौस गयो के। मनोज तू आज फिर झगड़ा करके आया है, अब तू कॉलेज में हो गया है। मन ने ना करा कोई झगड़ा वगड़ा, मिर्ते करे कौन पकड़ मुर्गा बन, भला या भी कोई बात है। तुम भी तो लड़ने के लिए तैयार रहते हो, कई बार सब्र से भी काम लेना पड़ता है। आप इसे समझाते क्यों नहीं? ओहो ये ऐसी बात ना है, थोड़ी बहुत तो चलती रहा करे, वरना ये दुनिया है ना दुनिया, सर पर ही ना चढ़ जाए। आप लोगों को समझाना पत्थर पर सिर मारने के बराबर है। माँ जी आप इन्हें समझाती क्यों नहीं, कितने ही घर लड़ाई झगड़े बर्बाद हो चुके हैं। ए बहू मेरी मानता ही कौन है, मैं क्या करूं? आ जा भाई आ जा। और क्या हो रहा है भाई? तेरा ही जिक्र कर रहे थे, एक में ही कैसी मछली सी पकड़ रहा था। उसका बॉस विक्रम कल वाली बात में बहुत फड़क रहा था। फड़कन दे, मारा कौन सा कुछ बिगाड़ लेगा, बहुत फिरे हैं ऐसे। ओहो अरे इन्हें देखने के लिए तो हम पड़े रहने हैं यहाँ, हमारी उम्र तो इन्हें देख देख के निकल जाएगी। पर इन्होंने हमें कभी न देखा। ऐसा है तुम अपना देखने दिखाने का प्रोग्राम चालू रखो, मैं तो चला क्लास में। अरे क्लास में ना धरा कुछ भी भाई, यो कॉलेज तो ठीक है, यो क्लास किसने बनाई? सुनिए पायल जी। जी वो आपको कुछ काम था? जी नहीं। हाँ 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 हाँ, आपके पास हिस्ट्री की बुक है? जी नहीं, मेरे पास तो नहीं है। मैंने सोचा कहीं आपके पास हो। कोई नहीं, कहीं और ट्राई करता हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। बाय।
खड़का दी, एक छोरी कॉलेज में मेरे दिल में खड़का दी, अच्छा से हो करवा मेरे दिल में समा गई। पतले होठ हसे तो लगे फूल जैसे बरसे, हर जुबा रसीली आप नशीली बात करण में मन तरसे, पतले पतले होठ हसे तो लगे फूल जैसे बरसे, जबे प्यार के झोले मेरे, तबे प्यार के झोले मेरे दिल में खड़का गी, एक छोरी कॉलेज में तो पूरा बम है बम, इसको भी देखेंगे पहले चुनाव तो निपट लेने दे।
वो लौंडा तो हर हालत में सही करना पड़ेगा। तू चिंता ना करे, उसने विक्रम के दोस्त पे हाथ उठाया है, उसे तो अस्पताल का रास्ता जरूर दिखाऊंगा। अच्छा विक्रम, इस बार चुनाव में तेरे सामने कौन खड़ा हो सके? कोई खड़ा हो जा, जीतना तो हमें ही है, क्यों? ओए होए, हमें ऐसे बैठने का मौका कोई ना देता। यहाँ आके बैठ जाओ भैया। चलो ना चलो, यक्का माहौल मारी जो ठीक नहीं है। सताए वे को इतना न सताना चाहिए। इन बेचारों को इतना न सताओ लोग। हाँ भाई, अरे थारे में तो कैसे धुम्मासा निकल रहा है। चल भाई मनोज, भारी बात करेंगे, क्लास में तो लू चल रही है, लू। चलो इस कॉलेज की लड़कियां बहुत खतरनाक है यार। हाँ हाँ, लोगों का फुका हुआ बोल रहा है यू। आज कॉलेज में बड़ी चहल पहल है भाई, की बात है। हाँ हाँ, कॉलेज में चुनाव होने वाले हैं ना। अच्छा, फिर तो बड़ा मजा आओगा। प्रधानी के चुनाव की ढाड़ी तो होते होंगे। भाई तू खड़ा हो जा चुनाव में। मैं? हाँ हाँ हाँ। और उस विक्रम के सुरखाब के पंख लग रहे हैं, तू खड़ा तो हो। तुम जो खड़े हो जाओ। भाई बात सुन ले, मार तो जुगाड़ ना, और ना हम तक कदी खड़े हो जाते अब तक। भाई तू चिंता ना कर, हम यहाँ कई साल से रह रहे हैं, हमें हर राह घट्टी की पता। कसम से जीतने में मौज ही मौज है। देख लो भाई, बेइज्जती ना हो जा। हम सब इस मामले में खेले खाए हैं। ठीक है, पर यार मैं एक बार घरू बात कर लूं। अरे बात भी हो जाएगी, पहले तू खड़ा तो हो। खड़ा हो जाऊंगा, पर बात करनी ठीक रह जा, समझ गया? पिताजी एक बात पूछनी थी। हाँ बोल, के बात है? हमारे कॉलेज में चुनाव हो रहे हैं, मेरे यार दोस्त कह रहे हैं अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो पक्का जीत जाऊंगा। तो हो जा खड़ा, क्यों नरेश? हाँ बिल्कुल, बाकी हम देख लेंगे। पर तेरे सामने खड़ा कौन है? कोई खास ना, वही हो सके देशराज का लमडा। कोई बात ना, पर तू पैसे देने की चिंता मत करियो, वो हारना चाहिए। अच्छा भाई, घर वाले मान गए? भाई अब देखे तुम्हारा कमाल। ऐसा करते हैं, जल्दी तैयारी करो, करना की है। करना क्या है? प्रचार की शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कॉलेज में चुनाव होने जा रहा है, और हम सबकी इच्छा है कि इस बार मनोज चुनाव में खड़ा हो। आप सभी जानते हैं कि कॉलेज का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए आप सब लोग मनोज को समर्थन करेंगे। आप सब हमारे साथ हैं ना? हाँ, हम सब लोग साथ हैं, क्योंकि इस चुनाव में जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो बड़े ही बदतमीज और आवारा किस्म के लोग हैं, इसलिए मनोज को जिताने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे।
जमीन पर रेंगने वाले को उड़ने का ख्वाब ना देखना चाहिए। उड़ने वालों को चाहिए कि जमीन का ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि पांव तले से जमीन ही खिसक जाए। ये भी तो हो सकता है कि जमीन पर रखने के निया पैर ही ना बचें। जिसके दिल में कोई डर हो धमकी वो दिया करते हैं, करने वाले तो कर गुजरते हैं। मैं धमकी नहीं। देखिए आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए, हम आपसे कोई बहस नहीं करना चाहते। यह बात इसे समझा जो अपनी औकात से बाहर निकल रहा है। फालतू बोलने की जरूरत ना है, वरना कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। बहुत अकड़ रहा है, तेरा फैसला अभी करना पड़ेगा के? तो देर किस बात की है, अभी पता लग जाएगा कौन किसका फैसला करे। कोई बीच में नहीं आएगा। विक्रम से पंगा लिया है। जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। चलो मनोज। मैंने बोल लियो लाला, किसी छोटे बड़े ते राम रहीम भी कर लिया करे। क्यों भाई? अरे के बात हुई। विक्रम के बात है, बोलता क्यों ना? कैसे गुस्से में हो रहा, के हो गया? कॉलेज में कुछ हो गया के? आज कॉलेज में मेरे से किसी ने पहली बार टकराने की कोशिश करी है। कौन था? कहीं योगराज के लौंड से कहा सुनी तो ना हो गई? मेरे साम ही आवे, धाक जमानी चाहवे, मेरे ते भेड़ा था। के कहा? उस योगराज के छोरे कितनी हिम्मत के मारे लंडे ते भिड़े? उसका तो मैं वो हाल कर दूंगा कि आगे ते उनके खानदान में कोई चुनाव लड़ने की सोचने का भी ना है। चुनाव का टाइम है, आगे ना आया करते, लोगों को बात बनाने का मौका मिल जाए है। तुम देखते जाओ, वो पुरानी मिसाल है ना कि सांप भी मर जा लाठी भी ना टूटे।
मैंने बोलूं बात तो ठीक है, सांप तो मरेगा ही, चाहे कोई सही मरो, क्यों भाई? कॉलेज में जाके खबर करता हूँ। कैसे हुआ मनोज? कितनी बुरी तरह मारा है जालिमों ने। तुम परेशान मत हो पायल, मुझे इतनी चोटें नहीं आई जितना उनको तड़पना पड़ेगा। फिलहाल तो तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे तो चुनाव की फिक्र है, वहाँ मेरे बगैर क्या होगा। तुम वहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, वहाँ का सारा काम मैं देख लूंगी। वो चाहे कुछ भी कर ले, चुनाव में जीत तुम्हारी ही होगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है पायल, तुम मुझे हारने नहीं दोगी। मेरा बच्चा, मेरा लाल, ये क्या हो गया? मनोज, कौन थे वो लोग जिन्होंने हमला करा? तू एक बार उनका नाम बता दे बस। हम उसके खानदान को नहीं छोड़ेंगे। एक तो पहले से ऐसी मुसीबत आई हुई है और ऊपर से आप ऐसी बात कर रहे हैं। बहू, तू जानती ना है, अगर हमने कुछ ना करा ना तो कल को कोई हमें हमारे घर में आकर मारेगा। कुछ पता चला कौन थे वो लोग? एक भी बचना नहीं चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि इसमें उस साले विक्रम का हाथ है। मैं तो कहूँ उसका नाश हो, उसके कीड़े पड़े, उसके पोते देवते मरे। ख्याल कर दिया मेरे बच्चे का। मैंने तो पहले ही कहा था, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, कुछ न धराए चुनाव नाव में। हम एक एक को देख लेंगे, एक एक को देख लेंगे हम। चलिए आप लोग सब बाहर चलिए, बाहर चलिए। दर्द तो ना हो रहा मेरे बेटे? अम्मा बाहर चलिए, आप भी मरीज को आराम करने दीजिए। तो फिक्र ना मानिए, हम एक एक की राह जरूर निकाल लेंगे। अम्मा बाहर चलिए, आप भी। भाभी। हाँ बोलो मनोज। पायल, ये मेरी भाभी है। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी, ये मेरी गैल पढ़े है कॉलेज में। अच्छा, तो ये पायल है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे। अच्छा पायल, मैं चलती हूँ, किसी दिन घर जरूर आना। जी भाभी, मैं जरूर आऊंगी। नमस्ते। नमस्ते।
आज हमारा कॉलेज भय का पर्याय बन चुका है। आज हमारे माता पिता हमें कॉलेज भेजते हुए डरते हैं। खासकर लड़कियों के लिए कॉलेज असुरक्षित हो चुका है। ना जाने कब किसके साथ क्या हो जाए, इस बात का जीता जागता सबूत मनोज है, जिसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। हमें इस माहौल को बदलना होगा, जिसके लिए हमें आगे आना होगा। आइए हम सब लोग शपथ लेते हैं कि हम अपने कॉलेज से इस गुंडागर्दी को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन इसके लिए हमें मनोज को चुनाव में जिताना होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मनोज कुमार जिंदाबाद, मनोज कुमार जिंदाबाद, मनोज कुमार जिंदाबाद। विक्रम, इसका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा। हाँ, इसका भी इलाज मैं सोच रहा हूँ। आजकल बहुत तरफदारी हो रही है उसकी, अपनी भी कुछ फिकर कर ले। मेरी नहीं, तुम बस अपनी फिकर करो। फिकर तो मन ने तेरी हो रही है, कहीं तेरा हाल भी तेरे यार जैसा ना हो जा। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगी? क्यों अपने इस फूल जैसे बदन को कष्ट देवे है, इसे संभाल कर रख, किसी और काम आवेगा। रुक जा, मनोज को आन दे, फिर पता लगेगा कौन क्या कर सके। तेरे जैसे चमचों कूता मेरे सामने बोलने की इजाजत भी ना है। अब तुम्हारी दादागिरी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। हमें यहाँ रोकने की ताकत किसी में है, तू बता। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको रोकता है। चलो फिर मत कहिए कि विक्रम ने समझाया ना था। प्रेसिडेंट के उम्मीदवार मनोज 160 वोटों से विजयी हुए हैं। भाई मनोज, दुश्मन के हमने छक्के छुड़ा दिए हैं। भाई कमर तोड़ दी कमर। भाई नाक में दम कर दिया दम। भाई अब तो कॉलेज में मौज ही होगी मौज। चलो अब तो पार्टी शार्टी का इंतजाम करते हैं चल के। अब तो रोज होगी रोज। अरे ना होगी तो कर लेंगे। अच्छा भाई चले, मुबारक हो। भाई चलते हैं। मुबारक हो मनोज, तुम जीत गए। इस जीत की सच्ची हकदार तुम हो पायल। जैसे तुमने मेरा साथ इस चुनाव में दिया है, क्या तुम मेरा साथ जिंदगी में भी दोगी? साथ निभाने वाले साथ मेरा छोड़ ना दिए, साथ निभाने वाले साथ मेरा छोड़ ना दिए।
अधूरा तेरे बिना दुनिया की महफिल में है। तेरी यादों का गम बसा लिया है दिल में, रहूं अधूरा तेरे बिना दुनिया की महफिल में। बन हर जाए प्यार की राही हो, बन हर जाए प्यार की राही मोड़ ना दिए। मारे छोरे का कमाल, देखा मारे छोरे का कमाल, सब चित कर दिए। मैं यो बोलूं, मान गए भी तेरे छोरे को भी योगराज, मान गए भी, मान गए। अच्छा क्यों भाई? अरे अब बिना मानोगे? वो देशराज और उसका छोरा दोनों की बनावट काट दी। मैं तो न बोलूं भैया, उनमें अस्थाई के कोरी बनावट बनावट क्यों भाई? हम तो पहले ही कह रहे थे, पर हमारी माने कौन था? यह बात तो है चाचा, मेरा भाई भी उसी कॉलेज में पढ़े, जरा मनोज से कह देना उसका भी ध्यान रखे। अरे तू उसकी चिंता मत कर, वो तो मैं उससे कह दूंगा। अरे अभी तो मुझे एक रड़क सी और काटनी है। कौन सी रड़क? हमें भी तो बता ना, ना
वेर का दे बताऊंगा। अब मैं घर चलूं, बहुत वार हो गई है। चला जाइयो, बैठ जा, बैठ। ना भाई, मैं तो अब चलूं। अच्छा भाई, राम राम। चलूं। बेटे मनोज, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज तने सारे गांव में मेरी नाक ऊंची कर दी। भाई मारी तो छाती चौड़ी हो गई, देशराज और उसका लड़का तो कहीं बोलने लायक ना रहे। ले बेटा सुन सुन सुन, ले नोट ले और सारे दोस्तों को दावत देखो। ना इनकी जरूरत ना मेरे पे है। अरे ले 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 ले, कॉलेज में चुनाव जीतता है कोई मामूली बात थोड़ी है। ये क्या पिताजी, आज फिर भी क्या है? ओहो, तू भी बस हर बात में मीन मेख मत निकाले कर। मैं जो सोचती हूँ घर की भलाई के लिए तो सोचती हूँ। थोड़ी बहुत भलाई हमें भी सोच लेने दिया क्या? क्यों आप सोचते, तो मुझे जरूरत ही क्या थी? अच्छा मनोज, अब ये बताओ क्या करने का इरादा है? के मतलब? मतलब ये, मौज मस्ती बहुत हो चुकी, अब कुछ अपने कैरियर के बारे में भी सोच लो। कैरियर? अब मैं अपने कैरियर के बारे में सोचूं या तेरे बारे में सोचूं या इन हसीन आंखों के बारे में सोचूं जो मुझे हर समय कुछ ना कुछ कहती रहती हैं? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? मेरे दिल की धड़कन सुन के देख, इसमें तो एक ही आवाज आओगी, पायल पायल पायल। अपने इस दिल को संभाल के रखिए जनाब, कई बार इस जिंदगी में ऐसा भी होता है कि हम सोचते कुछ है और हो कुछ जाता है। तो क्या तुम मुझे भुला दोगी, अपनी जिंदगी से मेरा नाम मिटा दोगी? लगता है आशिक के साथ फ्लॉस पर भी हो चुके हैं। चलो अब यहाँ से चलते हैं। ठीक है, चलो भाई। पायल, के कर रही है तू? कैंटीन वाले के पैसे दे रही हूँ। अरे छोड़ो भी, ये हमसे पैसे नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्या तुम्हारा इससे उधार चलता है या कोई और बात है? ये बात नहीं है पायल, यू म्हारी बहुत इज्जत करे इसलिए भी पैसे ले नहीं। प्रेसिडेंट बनने से पहले तो ये तुमसे पैसे लेता था, फिर अब ऐसी कौन सी बात हो गई जो ये तुमसे पैसे नहीं लेगा? देखो मनोज, हमें अपनी ताकत का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। तुम गलत समझ रही हो पायल। कितने का बिल हुआ भैया? आप कैसी बात कर रहे हो, आपसे पैसे थोड़ी लेंगे। मुझे मुफ्त की खाने की आदत नहीं है। आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं हमें, हम पैसे नहीं लेंगे आपसे। जब मैं कह रही हूँ तो आप पैसे लेते क्यों नहीं? छोड़ो भी पायल, पकड़ो जल्दी। आपसे पैसे नहीं लेंगे ना हम। भाई मनोज, एक बात बता, ये चुनाव में इतना पैसा खर्च करा है, ये उल्टा भी तो आना चाहिए। भाई मेरे हाथों में तो खुजली सी हो गए। अरे सोच तो मैं भी नहीं रहा हूँ, पर यू काम होगा कैसे? बस यू काम मारो पर छोड़ दे। मुर्गे हम लाएंगे बस।
क्यों मनोज, कुछ हुई अमन नहीं? खूब मजा आ रहा अब तो। ओए ये सिगरेट फिगरेट बंद करो, जल्दी जल्दी करो जल्दी। मनोज कहाँ रहते हो तुम आजकल? क्या दिन हो गए तुम्हें क्लास अटेंड करे हुए? अरे पायल देख तो सही कितना काम है आजकल तो। ऐसा भी क्या काम हो गया? सुबह तो तुम्हारी शक्ल देखने को मिलती है, शाम तक ना जाने कहाँ गायब हो जाते हो तुम। अब क्या बताऊँ पायल, लड़के मेरे पीछे पड़े रहे हरदम, मेरा ये काम कराओ मेरा वो काम कराओ। पर तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है अब मैं पढ़ाई पे और तेरे पे पूरा ध्यान दूंगा। मेरे ऊपर नहीं जनाब, अपने ऊपर ध्यान दो आप। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो सही। मनोज मेरा भाभी से मिलने को बहुत दिल कर रहे हैं। भाभी? भाभी कौन भाभी? मैं तुम्हारी भाभी की बात कर रही हूँ बुद्धू। ओहो पर तू भाभी तक क्यों मिलना चाह रही है? क्यों, क्या मैं भाभी से नहीं मिल सकती? अरे या बात ना है, पर अब ऐसा अच्छा थोड़ी लगे, बता मैं क्या कहूँगा घरू। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मिलना है और आज ही मिलना है। तू कुछ समझती तो है ना पायल? मुझे कुछ नहीं समझना, तुम मिला रहे हो या नहीं? ठीक है परसों चलेंगे घर, परसों सब शादी में जा रहे हैं, बस भाभी है घर। सच? फिर तो बड़ा मजा आएगा। ठीक खुश है अब तो? यस। तेरे हुस्न ने गौरी कती जान ते मार दिया। छोरे तेरे ऊपर मैंने तन मन वार दिया, अरे छोरे तेरे ऊपर मैंने तन मन वार दिया। तेरे हुस्न ने गौरी ओ तेरे हुस्न ने गौरी कती जान ते मार दिया। घाट लगे किसी भूख की, महारानी तक घाट लगे किसी भूख की। हुआ गजब नाच आँखों में, हुआ गजब नाच आँखों में जो सुरमा तार दिया। छोरे तेरे ऊपर मन तन मन वार
लंबी काली जुल्फ खुले तो रात लगे, लंबी काली जुल्फ खुले तो रात लगे। खुशियाँ मेरी तेरे प्यार की ही सौगात लगे, खुशियाँ मेरी तेरे प्यार की ही सौगात लगे। प्रीत बावड़ी में अपना हो, प्रीत बावड़ी में अपना सब कुछ हार दिया। चाचू चाचू आप कौन हो? चाचू चाचू ये कौन है? पायल ये मेरा भतीजा है राजू। बड़ा प्यारा है, कैसे हो राजू? मम्मी मम्मी चाचू किसी को लेके आए हैं। अरे पायल कैसी हो? अच्छी हूँ, नमस्ते भाभी। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। रहने दीजिए ना भाभी, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। पहली बार हमारे घर आई हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ ना लाऊं? मैं अभी भाभी के पास जाती हूँ। अरे तू कहाँ चली, तू तो यहीं बैठ। चाचू आप क्या कर रहे हो? बेटे वो चाचू ये कौन है? बेटे ये वो है, वो तुम्हारी चाची है। आप चाची हो? मम्मी ये चाची है। बेटा ऐसे नहीं बोलते। मम्मी चाचू ने बताया। अच्छा, अरे कुछ भी बोल देता है। बड़ी जल्दी हो रही है शादी की। नहीं भाभी ऐसे कुछ भी बोलता रहता है। नहीं मम्मी चाचू ने चाची के पप्पे भी ली। चुप हो जाओ मेरे बाप, तुझे चॉकलेट दिला के लाऊंगा। तो बात यहाँ तक बढ़ चुकी है, लगता है तुम्हारे भैया से बात करनी पड़ेगी। अरे नहीं भाभी, वो तो पायल बहुत जिद कर रही थी आपसे मिलने की। क्यों पायल? हाँ भाभी आपसे मिलने को बड़ा दिल कर रहा था। मनोज तुम जाओ अपना काम करो। ना भाभी मुझे क्या काम है, मैं भी यहीं बैठ रहा हूँ। नहीं जाओ तुम। ठीक है, चाय ले लूँ? आप सच में ही चाची हैं? बेटा ये होने वाली चाची है। मम्मी चाची बहुत सुंदर हैं। आराम से मान गया था या? ना ना आराम से मान गया था। लो भाई उसका के रहा पीट वाले का। ए उना मान रहा ससुरा, तो दो चार लंडे ले जाके पिटवा दे ससुरे को। हाँ के रहा, मुझे ही आना पड़ेगा या हो जाएगा काम? ठीक है, आजकल बड़े मजे उड़ा रहे हैं मनोज और उसके चेले चपाटे। तू चिंता ना करे, मौका मिलते सारी कसर काट दूंगा। बहुत अकड़ आ रही है आजकल उनमें।
अगर तो हम ढीली करनी जाने हैं, अगर तो उसके सारे खानदान में हैं। कुछ ना कुछ उसका इलाज करना पड़ेगा, आजकल बाहर भी अपने हाथ पांव फैला रहा है। तुम उस पे नजर रखो, ऐसी वैसी कोई बात हो तो मुझे बताओ। ये नाश्ता इसका ही कराया हुआ है। आजकल यू योगराज के खानदान ने बड़ी कूद भान मचा रखी। एक छोटा सा बालकों का चुनाव के जीत लिया, बस धरती पांव भी ना पड़ रहे। यूं तो मैं ही ढीला सा पड़ गया था, सोचा अस्पताल में पड़ा है, उसे कौन वोट देगा। मैं तो न्यू बोलू, थारे तो 25 साल तक प्रधानी चली आ रही है, वे के है थारे स्वामी। और मैं तो न्यू कहूं, मेंढक कितना भी छल्ले घोड़ा थोड़ी बढ़ जाएगा, क्यों भाई। ये तो बरसाती मेंढक है, कुछ दिन टटर करके बैठ जाएंगे चुप। अगर नहीं बैठे ना तो मैं बैठा दूंगा। ले, तन्ने कही थी ना लाने को, एकदम जानदार चीज लाया हूं। अरे वाह, एकदम सॉलिड, विदेशी है भाई विदेशी। तू तो बड़ा काम का है, पर एक काम कर, इसे घर ले जा। अच्छा, मैं तेरे पे तो बाद में ले लूंगा। ठीक है, एक दो चमकाने हैं, ठीक हो जाएंगे साले। भाई कॉलेज में एक नया मुर्गा आया है। कैसा मुर्गा भाई? वो हॉस्टल में शराब सप्लाई करना चाह रहा है। तो वो थारे से मिलना चाह रहा है। ठीक है, मिलवाओ, बात करके देखते हैं क्या है। ठीक है, आज रात को ही मिलवाता हूँ। मनोज, ओए तू ऐसा कर, वो सारी शराब किताब लाइब्रेरी में तो उठा ला, मैं वहाँ छोड़ आया। लेकिन मैं तो थोड़ी देर पहले लाइब्रेरी में ही थी, तुम तो वहाँ नहीं थे। मैं कल छोड़ आया था। अच्छा चलो मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। चलो भी। किससे मिलाना है? पापा से मिलाना है। क्यों मिलाना है पापा से? पापा तुमसे मिलना चाहते हैं बस। मतलब मैं क्या करूँ तेरे पापा से मिलके? तू मुझे किस चक्कर में घेर रही है? कोई चक्कर वक्कर नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। की मुसीबत है? मेरे पापा मुसीबत है? अरे यार, मैं तेरे पापा को ना कह रहा। ठीक है चल। देखो मनोज, मेरे जीवन में अच्छे संस्कारों का बड़ा महत्व रहा है। जी। पायल मेरी इकलौती बेटी है, मैंने हमेशा इसे अच्छे संस्कार दिए हैं, कभी कोई इसकी परवरिश में कमी नहीं छोड़ी। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हो। मुझे गर्व है पायल पर, इसने मेरा हमेशा विश्वास बना के रखा है। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम कभी कोई ऐसा काम मत करना जिसे तुम्हारे माँ बाप या मुझे कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। जी हाँ, आप बेफिक्र रहें। अच्छा बेटे, अब मैं चलता हूँ, आज मैं फिर काफी लेट हो गया। तुम इसे चाय नाश्ता करवाओगी या ऐसे ही भेज दोगी? अच्छा नमस्ते। अच्छा बेटे, खुश रहो। क्या देख रहे हो? यहां तक मुझे ले आई, क्या चाल तुम्हारी है, अब बाहों में भी ना भरूं, क्या मजाल हमारी है। ये बाकी के पैसे। चल चल ठीक है, अंदर ले जा, मैंने सब सेटिंग कर दी है। चल चल इसे भी दे दे कुछ। क्या विक्रम भाई, ऐसे का कुछ बचेगा क्या मेरे को? चल चल देना। अरे क्या हो रहा भाई यहाँ, जरा हमें भी तो बताओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? आज ही तो मौका मिला सबे तेरी असलियत दिखाने का और तुझे रंगे हाथों पकड़वाने का।
मुझे रंगे हाथ वो पकड़वावे जिसके अपने हाथ साफ हों। तू कौन से दूध का धुला है? चोर वो होता है जो पकड़ा जाए। विक्रम को पकड़वाने के लिए लोहे के हाथों की जरूरत होती है। आज पहले तेरी आकड़ी दूर कर दूं। शराब सप्लाई कर रहा, मैंने ही रोक किया तो इसने अपने दोस्तों के साथ मेरे पे हमला कर दिया। झूठ बोल रहा है ये, शराब सप्लाई ये कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। चलो सब थाने चलो, वही फैसला करेंगे। चलो। दरोगा जी, तुम्हारे छोरे के ऊपर कोई केस ना बनना चाहिए। नहीं बनेगा। हाँ मनोज को छोड़ दो। दरोगा जी, विक्रम नहीं छूटना चाहिए। अपने जवान को संभाल छोरे, भारी औलाद को अंदर रख सके इतना तुझ में दम नहीं। देशराज, अपने छोरे को समझा, अकेला समझ के और इतने सारे लिया मारने को। होश की बात कर योगराज, इतनी रात गए तेरा छोरा हॉस्टल में क्या कर रहा था? देखिए यहाँ शोर मत मचाइए, ये थाना है। चौधरी साहब आप अपने लड़के को लेकर जाइए। हाँ मनोज। हाँ योगराज, ले जाओ इसे और समझाओ कि बच्चे सिर्फ खेल के मैदान में ही अच्छे लगते हैं, जंग में नहीं। अगर ताऊ याद ना हो तो अच्छी तरह याद कर ले कि अभिमन्यु भी बच्चा ही था। तो एक बात तू भी जान ले कि उसका अंजाम क्या हुआ था। वक्त बदलते देर नहीं लगती देशराज, जब आदमी का टाइम खोटा आता है ना तो वो इसी तरह फालतू बोलता है।